Today class is about sign of y end of a word. जब हमारे किसी भी word में end में y आएगा तो हम कौन सा उसके लिए sign use करेंगे, आज हम की class में हम वो पढ़ेंगे. The sound of y at the end of a word is represented by the light dot the i. जब हमारा वाई का साउंड आएगा किसी भी वर्ड के एंड में, ठीक है, कोई सी भी वर्ड जो वर्ड है हमारा वो वाई वर्ड वाई लेटर से एंड हो रहा है वाई के साउंड से, तो हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे उसको आई की जो लाइट डॉट होती है उससे. हाउ, लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट. तो यहाँ है हमारा बेबी, बे बी, लास्ट में ई का साउंड आ रहा है, लाइट डॉट है हमारा, बट यहाँ हमें हमारा है एंड वर्ड के एंड में वाई. सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बे एंड बी, तो ये हो गया हमारा बे एंड बी, ठीक है. वाई का साउंड था, ई का साउंड आ रहा है वाई से, हमने यहाँ पे लाइट डॉट प्लेस कर दिया. नेक्स्ट इज मनी, एम म नी, म नी, ठीक है, लाइट डॉट अ वोवल का साउंड है, यहाँ डैश लगाया मनी. वाई है एंड ऑफ द वर्ड बट साउंड किसका आ रहा है, आई का, इसलिए हमने यहाँ पे लाइट डॉट प्लेस किया है. नेक्स्ट इज कॉपी, कॉ एंड पी, हो गया कॉ एंड पी, कॉपी. नेक्स्ट फैमिली, फै मी एंड ली, तो गए फै मी ली, इंटरवीनिंग वॉवेल है हमारा एम के बाद एल है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे थर्ड प्लेस ऑफ वॉवेल है, ई का साउंड है, इसलिए हमने हमारा जो है वॉवेल साउंड है वो यहाँ प्लेस करा है सेकेंड स्ट्रोक के एंड में और लेफ्ट हैंड साइड पे. नेक्स्ट मंथली, म एन थ एंड ली, या मंथली, मंथली. नेक्स्ट अपॉलॉजी, अ प ली एंड जी, तो हो गया ये हमारा अ प ल जी, अपॉलॉजी. नेक्स्ट मैनी, एम एन मै नी, डेली डी एल डे एंड ली, डेली, ये हो गया हमारा ल की, ल एंड इधर की, क्लियर. यहाँ सारे हमारे वर्ड्स के एंड में वाई आ रहा है जिसमें से हमारे लाइट डॉट आई की साउंड आती है, तो वहाँ पे हमने लाइट डॉट प्लेस किया है, क्लियर. सो ये हो गए हमारे एग्जांपल जहाँ पे वर्ड के एंड में वाई आएगा तो हम उसके लिए लाइट डॉट ऑफ आई वॉवेल यूज़ करेंगे.